यहां से अब जंगल का रास्ता है, कोई अगर पुकारे पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे आगे बढ़ते रहना। कुछ ही दूर में वो घोष कदमपुर गांव दिखेगा। अब मैं चलता हूँ, संभल कर जाना, ठीक है? ये कहते हुए उन्होंने अजय को लालटेन देकर अलविदा कहा। अजय जंगल के रास्ते बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगा। घने जंगल से कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी, लेकिन अजय बचपन से ही बहुत बहादुर है। वो आसानी से नहीं डरता, वो एक पल भी नहीं रुका। अचानक कंधे पर एक हाथ का स्पर्श अनुभव किया, उसके शरीर में सहजन दौड़ गई। इस अंधेरे और सुनसान जगह में जहाँ गांव वाले भी शाम ढलने के बाद आने से डरते हैं, उस रास्ते पर कौन हो सकता है, चोर या डाकू तो नहीं? अजय ने अपना सर घुमाया और एक युवक को देखा। उसकी आंखों में अत्यधिक कोमलता थी जो उसे एक अजीब जादू से अपनी तरफ खींच रही थी। उस लड़के ने फटी हुई धोती पहनी हुई है और पूरे शरीर पर मैल फैला हुआ है। देखने से उसे लग रहा था कि परिवार की खींचतानी के कारण उसे मिल या फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ता है। कौन हो, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने फिर से पूछा, तुमने मेरा पीछा किया लेकिन इस जंगली रास्ते पर तुम्हें डर नहीं लगा? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। क्या ये लड़का बोल नहीं सकता? लेकिन अजीब बात यह है कि वो उंगली दिखाकर कुछ कहना चाह रहा है। पहले तो अजय ने उसे समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब लड़के ने अजय को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया तो वो उसके पीछे पीछे जंगल के रास्ते चलने लगा। जैसे ही जंगल का रास्ता खत्म हुआ, अजय को एक दो मंजिला घर दिखाई दिया और उसी के साथ एक बड़ा साइन बोर्ड जिसपे लिखा था घोष कदमपुर स्कूल स्टाफ क्वार्टर। आखिरकार वो स्टाफ क्वार्टर पहुंच ही गया। इससे अजय को थोड़ी राहत तो मिली। तो फिर क्या ये लड़का अजय के लिए ही आया था, और क्या वो स्टेशन से ही उसका पीछा कर रहा था? और अजीब बात यह है कि इस तूफानी रात में सभी गांव में जहां एक भी लैंप पोस्ट नहीं जल रहा है, वहां गांव से इतनी दूर इस स्टाफ क्वार्टर पे लाइट कैसे जल रही है? अजय को कुछ तो गड़बड़ लगा। अजय ने सीढ़ियों पर लालटेन रखी और लड़के की ओर देखा। वो अजय को उसका कमरा दिखाने के लिए उसका सूटकेस लेकर आगे चलने लगा। अजय ने अपने जूते सीढ़ियों के पास उतार दिया। सामने के कुएं से बाल्टी में पानी भरकर उसने अपना हाथ मुंह धो लिया। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। शायद इस मकान के ऊपर के मंजिल में शिक्षक आवास है। उस हल्की रोशनी में अजय जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तब उसके कानों में कुछ सुनाई दिया। नया मास्टर, लगता है नए मास्टर जी आए हैं। जा छोड़ो, ले आओ उन्हें। जैसे बहुत लोगों ने एक साथ बोला, ले आ, जा छोड़ो, ले आ छोटू ले आ। उस आवाज की ओर अजय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। क्या हो रहा है अजय को कुछ समझ नहीं आया। अजय दाएं तरफ देखा तो उसकी रूह कांप उठी, जैसे उसके आंखें बाहर निकल आएंगी। उसके सामने खून चूसने वाले पिशाच का एक समूह था जिनके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। उनमें से किसी का सर फटा हुआ है और किसी के आंखों से खून बह रहा है। वो सारे भयंकर दिखने वाले पिशाच
धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगे। मास्टर जी, हमें पढ़ाओगे नहीं? नहीं पढ़ाओगे? ये कहाँ आ गया? वो बाहर से तो वो स्टाफ क्वार्टर ही लग रहा था, और वो लड़का जो उसको यहाँ लेकर आया वो कहाँ गया? इस अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कुछ लाल आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी। लिखना पढ़ना करे जो शिक्षा मिले उसी को। कौन है ये सब और ये सब क्या बोल रहे हैं? अजय ने चिल्ला कर बोला, क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों लेके आया हो यहाँ? हम लोग का मुक्ति चाहिए, हम लोग का शिक्षा चाहिए, शिक्षा। लोगों को यहाँ से निकलना है, हम लोग का हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति, मुक्ति। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। धीरे धीरे अजय पीछे हटने लगा। नुकसान तो हमने भी कुछ नहीं किया मास्टर जी, लेकिन फिर भी हम लोगों को मरना पड़ा। बताओ, हमें तो बस थोड़ी सी शिक्षा चाहिए थी, और क्या कसूर था हमारा? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हम लोग लोग मरे हुए भूत हैं। हमारे सपनों को मारकर हमें एक एक करके सबको मार दिया गया। वो शहरी और अमीर लोगों ने सिर्फ अपना सोचा। हम लोग तो गरीब और गांव के हैं, इसलिए हमारे लिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है ना, है? शिक्षा का अधिकार सबको है, और इन लोगों ने हमें शिक्षा से वंचित करके रखा है। इतनी हिम्मत क्योंकि सिर्फ हम लोग गरीब हैं, है ना? अजय हाँफने लगा। अजय भागने लगा। भागते हुए एक रूम के अंदर घुस के उसने अपने आप को लॉक कर लिया। घर के अंदर थोड़ी सी भी रोशनी नहीं है। क्या करेगा वो? कैसे बच पाएगा यहाँ से? अचानक खिड़की के दूसरी ओर से कई हाथ शीशे को धकेलने लगे और इसके साथ कहने लगे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति। तेज आवाज के साथ वो शीशा टूट गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। दरवाजा खोलकर अजय छत की तरफ भागने लगा। मास्टर, तू हम लोगों को नहीं पढ़ाएगा? हम सब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम सब पढ़ना चाहते हैं। तो की रोटी तक नसीब नहीं होती, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ही मुश्किल से जिंदगी चलती है हमारी। मुझे छोड़ दो आप लोग, मैंने कुछ नहीं किया, फिर क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो? बोलो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका सर टकरा गया। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। किसके साथ टकराया वो? बिजली के चमक में अजय ने देखा उस लड़के का लाश उल्टा लटक रहा है। उसके मुंह, नाक और सिर से खून टपक रहा है। इस टक्कर से अजय के मुंह में भी खून लग गया था। हम लोगों ने पढ़ाई करने के लिए अपनी आवाज उठाई थी, और
जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई थी उन सबको इस कार्निस से धक्के मार कर गिरा दिया। वो पिशाच रो उठे। अजय उनकी बात सुनने की स्थिति में नहीं थे। किसी तरह उसने अपना सिर घुमाया और आंखें बंद करके नीचे की तरफ भागने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से पैर फिसलते हुए वो सीधा नीचे आके गिरा। उसका सिर फट गया था और फर्श पे खून ही खून लगा हुआ था। बाकी सारे मास्टर जी की तरह अजय भी इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया चला गया। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।